श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, भाइयों और बहनों, अभी हमने प्रभु जी भक्ति का एक सुंदर भजन मुझे गाया। प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, परंतु शिकायत भी की कि मन तो बड़ा चंचल है, ये वास में नहीं आता। हम संसार में आए तो हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि दो चीजों से मैं बहुत तंग। एक है शरीर और दूसरा है मन। शरीर आए दिन दुखी करता रहता है और मन तो हर समय ही दुखी करता रहता है, तो फिर चारा क्या है? भक्ति तो गाली कि भक्ति करो, भक्ति भी तो नहीं होती ना। तो प्रभु जी ने कुछ हमें समझाया है कि अगर हम ज्ञान पूर्वक चले तो शरीर के दुख से बच सकते हैं, और विचार पूर्वक चले तो मन के भी दुख से बच सकते हैं, सुखी हो जाएंगे। वो कैसे कि शरीर ये दुख आए दिन सारे को तंग करते रहते हैं, मुझे भी आपको भी, और मन के भी हर वक्त एक क्षण भी नहीं समझते कि हम मन के आघात से, मन के चोटों से हम सुखी बचे हुए। जो योग दिया इसी के लिए दिया, अगर आप शरीर के दुखों का मुकाबला करना चाहें तो प्रभु जी का ग्रंथ शिक्षा कांड पढ़ा करें। पढ़ते तो है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते। ध्यान से पढ़े भी तो विचार नहीं करते, और विचार करके भी समझ आए तो अमल नहीं करते। शरीर का कौन सा दुख है जो प्रभु जी ने हमें इस शिक्षा कांड के अंदर, जिसका मतलब हठ योग है, और ग्रंथ रूप में बना दिया साफ भाषा के अंदर? कोई ऐसा दुख शरीर का नाम ले दो जो कि प्रभु जी के बतलाए हुए योग से दूर न हो या योग करने के बाद आए। सुधार लो, जुकाम ही ले लो, आए दिन तो पीड़ित करता रहता है। इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना धन एक जुकाम के ऊपर संसार का खर्च हो रहा है, अनगिनत। लेकिन वो सारा धन भी बच सकता है, दुख भी बच सकता है। प्रभु जी का पढ़े, साधन करें, जुकाम लगेगा ही, और जुकाम से आगे जो दमा आदि रहते वो भी आएंगे। तो भाई ये जो शरीर तंग करता है और सबको तंग करता है, अब प्रभु जी ने उनके चरण में बैठे उन्होंने जो छिपी बात थी वो खोल के रख दी, ये करो और शरीर तंग नहीं करेगा। अगर तंग नहीं करेगा तो फिर सुख भी देगा। तो दो लोग होते हैं, या दुख दे या सुख दे। बच्चा है या सुख देगा या दुख देगा। सुख दुख ना देगा, सुख तो देगा। तो अगर हम मन
कि दुख क्यों जाए, कि मन तो बैठे बैठे ही हमें परेशान करता रहता है। और पता नहीं वो क्यों करता है, वो ज्यादा ही शैतान है। बीमारियां तो शायद बतला के आती हैं, लेकिन मन के अंदर जो आता बतला बिना भी आ जाता है, उसके लिए क्या करना है। ये जो शिक्षा कांड है, इसका सारा संबंध शरीर से हाथ है। एक शब्द भी ऐसा नहीं जो शरीर के विषय से भिन्न हो, और शरीर का कोई ऐसा भाग भी नहीं जो इस से छूटा हुआ हो, तो फिर सारी बीमारी सारे दुख शरीर के दुख तो इसमें आ गए। और जो प्रभु जी का राजयोग है विचार कांड, ये तो धीरे धीरे बतलाता है कि मन जो है दुखी करता है वो सुख का साधन कैसे बन सकता है। मैंने उस दिन पहले पिछले सप्ताह बताया था कि अंतरात्मा अगर माँ है तो मन पुत्र है। माँ से माँ चाहती है कि पुत्र मेरे पास ही रहे, लेकिन पुत्र भागता दौड़ता जाता है और माँ चिंतित रहती है। ये बात हमारी है, अगर मन मेरे पास ही रहे तो इस यहां सुखी में कोई नहीं होगा, भागेगा नहीं। लेकिन वो भागता है भागता है भागता है, कितना बुलाओ आते ही नहीं है, कितना समझाओ समझते ही नहीं है। और ये विचार कांड या योग दर्शन में क्या बताता है, वो कहते हैं देखो अगर विश्लेषण करे ना मन का, तो मन कहाँ जाता है, मन के भागने दौड़ने के, जैसे कि माँ का बच्चा है तो कभी 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 उसका भी एक क्षेत्र होगा, कभी एक दोस्त के पास कभी दूसरे दोस्त का कभी दूसरे पास का कभी, और वो आता नहीं बुलाते आता नहीं है। मन भी कहा उसने पर इसके पांच जगह ही मन जाता है, दूसरी छठी जगह नहीं जाता। उस तांचों का ध्यान रखो, पहली चीज ये अगर मन को मन के दुखों से बचना है तो पहले देखो मन जाता कहाँ है। मन पांच जगह जाता है, और मन के पांच जगह जाने को कि मन के भाग दौड़ है, उसको वृत्ति कहते हैं। पांच वृत्ति हैं, आप पढ़ लेना पुस्तक में, पांच वृत्ति हैं जहां जाता है, छठी वृत्ति है एक तो आंखों से जब मन को देखता है ना तो उसका रूप हो जाता है। मन का मन एक बड़ा कोमल से चीज है, कोमल चीज को जिस जगह रखो वही उसके ढांचा बन जाएगा, पानी को रखो जिससे पानी वैसा बन जाएगा। तो इसलिए कहा कि मन की जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति स्वरूप हो जाता है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मन समझो इसका रूप हो गया, बस मन अंदर चला गया। दुनिया में इतनी चीजें हैं देखने वाली, और जिन पर देखते रहते हैं, ये पहला है मन का क्षेत्र फील्ड। इसको अपने उस विचार करने का जो चीज सामने है उसका सबूत है, गया है वो चीज हमारे सामने आती है। आप एक दूसरे पर देख रहे हैं, ये पहले एक चीज है, इसको कहते प्रमाण। ये प्रमाण वृत्ति है, मन की दौड़ है, और उधर मन भागता रहता है, और मन को कहते हैं ना जाओ इधर, दौड़ के जाता है, कहते हैं आओ मेरे पास आ जाओ, वो कहते नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता है।
तो ये तो एक तिहाई मन है। तो इसे समझना चाहिए कि मन का एक दौड़ धूप जो है वो इस संसार के कुल पदार्थ में है, वही देखता है। बाजार जाए वो देखता है, घर जाए वो देखता है, यहाँ बैठे हैं यहाँ देख रहा है, ये प्रमाण वृत्ति है। सब प्रमाण का सबूत है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये वृत्ति है मन की, और ये पहली वृत्ति है मन। दूसरी वृत्ति होती है कि जो देखते हैं, परंतु उसमें हम जो देखते हैं, देखते तो हैं साधु, तो सोचते हैं ठग, तो साधु को नहीं देख रहे, ठग को देख रहे हैं। इसको कहते हैं विपरीत, उल्टा देखना, सच्चा नहीं देखना। सामने एक रस्सी पड़ी हुई है दूर से, है तो रस्सी, डर जाते हैं सांप है, उल्टा देखा ना, सांप तो नहीं है रस्सी है। एक उसी चीज को जो नहीं है उसको उस विपरीत दृष्टि से देखना मन ने। मन में रस्सी का नक्शा नहीं बना, सांप का नक्शा बन गया, सांप का रूप बन गया मन। तो ये दूसरी वृत्ति है जो नहीं है। चांद में दाग है, पता नहीं क्या है, लेकिन कहते हैं खरगोश है, खरगोश का नक्शा मन बन गया, है पता नहीं क्या, खरगोश नहीं है ना, इसलिए शशांक, चांद को शशांक कहते हैं, शशांक इसलिए कहते हैं शाश में खरगोश, तो खरगोश है वह बैठा हुआ खरगोश चीन है शाशधर, इसलिए खरगोश ने गोलियर बेट लगा शाशधर में चांद होता है गोलियर, इसलिए खरगोश है तो नहीं ना खरगोश। ये एक वृत्ति मन की है कि किसी चीज को अपने दूसरे रूप में देख लेना, ये भी चलता रहता है। मैं इतने बैठे अब जो देखे वो देख रहे हैं, मगर किसी को देखकर मेरे मन के अंदर आता है ये कुछ खराब आदमी है, अब वो आदमी जो ले खराब मन बन गया। ये आता है विपरीत, उल्टा देखना, शीशे को उल्टी तरफ देखना। गुरु है, गुरु में भगवान बस रहे हैं, लेकिन हम उसको शरीर में देखते हैं, ये दोष देखते हैं गुरु में भी। वो लिखा शायद भाई ने लिखा है कि गुरु को इसलिए पहचानते हैं कि जैसे शीशे को पिछली तरफ देखे, शीशा कहाँ है, वो तो शीशा है, देख पिछली तरफ से रहे हैं तो शीशा थोड़ा नजर ना आएगा। तो इसे गुरु को उल्टे पीछे देखना, शरीर रूप में देखना, तो गुरु को शरीर रूप में देखता है वो समझो गुरु को देख नहीं रहा, गुरु को आत्म रूप में देखता है वो गुरु को देखता है। तो ये विपरीत वृत्ति जो है ये भी हमारे काम करती है, एक तो प्रमाण वृत्ति, एक विपरीत वृत्ति। वृत्ति हमें गण मन का वर्तना, मन का व्यवहार, इसे बचना है, ये काम करता है। और मन और तरफ भी जाता है, बैठा हूं मैं, वो पवन में मकान जो बनाया ना वो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बिजली इधर होनी चाहिए, मुझे तो उधर होनी चाहिए, योग पवन, और मेरा मन योग पवन बन गया। इसका कहते हैं विकल्प, ख्याली पुलाव, और वो भी मैं छोड़ते पढ़ रहा हूं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं कर्म करूंगा, वो काम करूंगा, डॉक्टर बना नहीं वो काम करता है। पहले विकल्प उसके मन जाता है, मन की खेलें बतला रहे हैं, वो अपने विचार के अनुसार आएंगे, मन की खेलें। अब प्रमाण हो गया, विपरीत हो गया, विकल्प हो गया, बैठे हैं अभी मेरी नींद आ जाए, यहाँ पर आ जाती कई बार आराम से बैठे कुर्सी पर, कई बार मुझे आ जाती बैठे बैठे, और बैठे बैठे मन पता नहीं कहाँ दौड़ जाता है। तो मन जाता है ना, मन कोई देखने लग जाता है, मैं तो यहाँ मैंने क्या देख रहा था, मैं देख तो मन रहा था ना,
उसको कहते हैं निद्रा। नींद में मन देखता है, सिर्फ जाग तो नहीं देखता, मन मन तो है ना, शरीर सो गया मन तो नहीं सोया। ये मन की चौथी वृत्ति है। देखो मन कभी खाली नहीं रहता, या दुनिया देखता है, या दुनिया को उल्ट ढंग से देखता है, या अपने ख्याली पुलाव बनाता रहता है, या जब सो जाता है तो एक नई दुनिया, और जाकर कहते हैं ये सच नहीं थी। तो महापुरुष कहते हैं ये भी सच नहीं थी और ये भी सच नहीं है। जो स्वप्न सच नहीं था तो फिर ये भी सच नहीं है, ये भी सपना हो जाएगा। जब उसके बाद ये भी टूट जाएगा, ये भी सपना हो जाएगा, दोनों ही सपने हैं। अगर वो रियल नहीं है ये भी रियल नहीं है, वो जो महापुरुष ऐसा भी कहते हैं। पर स्वप्न लगता सच है ना, तो मन स्वप्न में चला गया। तो चार तरह मन घूमता रहता है। और पांच में कहा जाता है मन, बैठा होना, मुझे कश्मीर याद आ रहा है। जब बचपन में डल लेक में तारियां लगाया करता था, किश्ती में चल जाते थे और छलांग लगाते थे डल लेक में, तैरपुर का फिर किश्ती में डालते थे। अब मन सोचा, इसको कहते हैं स्मृति, स्मरण। मन बैठ बैठ सोचता, पिछली सोचा देना कल क्या था कर दो। अब इसी तरह देर गुण में मन चलता रहता है, बच्चा घूमता रहता है, कभी कहीं गए तो माँ को बुला जाती है, मैं बच्चा पता नहीं कहाँ गया, बुलाती है आता नहीं है। अब अगर मन को मैं बुलाऊं मेरे पास आओ ना, इधर उधर भागो तो मानता मेरी बात। योग कहता है कि मन की ये पांच वृत्तियां है ना, मन बस इनके अंदर रंगा रहता है। अगर इन वृत्तियों को कोई रोक ले तो उस योगी बन जाएगा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है, इन चित्त वृत्तियों को रोक लेना। तो रोक कर फिर क्या होगा, मन कहां जाएगा? तो सूत्र है तदा दृष्टि स्वरूप प्रस्थान, फिर आत्मा के अंदर आ जाएगा, फिर अपनी मां की गोद में आ जाएगा और सुख मिल जाएगा। मां भी सुखी और पुत्र भी सुखी। इस वक्त माँ भी दुखी और पुत्र भी दुखी, मन भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, अब क्या कहें। तो इसका इलाज भी तो करो। ये विचार कांड जो है यहां से शुरू होता है और इलाज बतलाते हैं कि इसका इलाज क्या है। बीमारी तो बतला दी, कोई इलाज भी है? अगर डॉक्टर इलाज ना बताए तो डॉक्टर बचाने का फायदा क्या? योग दर्शन पढ़ने से, अगर योग दर्शन में इलाज नहीं तो योग से पढ़ने का क्या फायदा? तो उसने कहा ये जो वृत्तियां है ना पांच प्रकार की, वृत्तिया पंचतिया पांच प्रकार की, क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लेश भी देती है और सुख भी देती है। अगर सुख देती है तो अंतरात्मा थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा, बेटा घूम रहा है इधर, माँ तुम्हारा बेटा स्कूल में बैठा हुआ था, माँ खुश हो जाती है, माँ का दुख दूर हो गया। क्यों? बेटा तो पास नहीं आया लेकिन माँ ने कहा ठीक जगह बैठा है। तो ये है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अगर ये हमारी वृत्तियां बुरी तरफ जाए तो हमारी अंतरात्मा परेशान रहेगी, और अगर हमारी वृत्तियां अच्छी तरफ जाए तो अंतरात्मा। पहला स्टेप यह है, माँ की गोद में तो बच्चा नहीं आया लेकिन माँ खुश तो होगी, पहला स्टेप यह है। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे कि अब आ भी जाए लेकिन वो तो समय लगेगा,
तो वो क्या कैसे करना है? ये जो बुरी तरफ मन जाता है वो अच्छी तरफ जाए। ये पांच वृत्तियां, पांचों वृत्तियां जो है अक्लिष्ट से क्लिष्ट बन जाए, क्लिष्ट से अक्लिष्ट बन जाए, बुरी से अच्छी बन जाए। अब मैं आपको दिख रहा हूं, अगर इधर नजर डाल लू वृत्ति बदल गई ना, उधर देख रहा हूं वृत्ति, इधर देख रहा हूं वृत्ति, उधर देखो तो वृत्ति और। तो ये गीता के अंदर शास्त्र के है तीन प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक तामसिक और राजसिक। इन वृत्तियों को तामसिक बनाने के बजाय सात्विक बनाओ। देखते हैं बुरी दृष्टि से देखते हैं, लालच की दृष्टि से देखते हैं, क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, बंद करो। सात्विक दृष्टि देखो, जहां भी अच्छा लगे उधर देखो। इसलिए कहते हैं भगवान के स्वरूप को देखते रहो सात्विक वृत्ति हो जाएगी, दुनिया को देखते रहो उधर आशी तामसिक वृत्ति होगी। तो एक तो ये करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करते तो मन कभी वश नहीं आएगा। मन को जो सात्विक वृत्ति बनाई, पहली वृत्ति जो है ये प्रमाण, प्रमाण का मतलब तुम्हारी नजर के सामने क्या है वो ये ना हो वो यू हो, बस मेरा जीवन बदल जाएगा, कोई मन तंग नहीं करेगा। अब ये है, मैंने कहा कि पढ़ना समझना और उसे करना भी, करेंगे तो नहीं पढ़ लेंगे बंद कर देंगे हम तो अगर करेंगे और करते करते एक दिन में नहीं होगा। गीता कहती है अनेक जन्म लग सकते, अगर एक जन्म में हम इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा जो भी देखते हैं ये जो वृत्ति हैं वो सात्विक रूप में हो जाए। मान हो गया कि अच्छे तब देखो, प्रवीण ने कहा सड़क पर चलते हुए 10 कदम पर दृष्टि होनी चाहिए, ये प्रवीण नियम में लिखा हुआ है। हम जब चले तो 10 कदम पर देखें, इधर उधर में देखें, वृत्ति लाएंगी नहीं फिर उधर। और अगली जो विपरीत वृत्ति है हम उल्टा देखते हैं, जो चीज नहीं है उसमें वो देखते हैं, तो एक आदमी आया उसके साथ, हम कहते बड़ा बुरा आदमी इसे पास में बैठा जाए, ये है तो नहीं बुरा हमारी दृष्टि में बुरा है, हमने उल्टा देखा ना। तो ये विपरीत वृत्ति जो है ना इसको भी बदलना पड़ेगा, इसी को बुरा से। वेदों में कहते हैं आया है कि संसार को मित्र दृष्टि देखो, मंत्र है वेद का मित्र चक्षुषा समीक्षा में, हम दुनिया को मित्र की दृष्टि देखें, किसी को न देखें, ये हमारे को दुश्मन है। मैं रोपड़ में प्रोफेसर था तो शिकायत आई लड़को एक मालिक मकान की कि देखो हमारा मालिक मकान है और मैं मालिक मकान हूँ, उसमें एक महात्मा रहता है और उसी के साथ दूसरे सेट में लड़के रहते काले के, उन लड़कों को कहो कि निकल जाए वहां से, मालिक मकान तो से खाली कराया जाता है मकान, क्यों निकल जाए? वो साधु कहते हैं हमें तंग करते हैं। अब बात क्या है, प्रिंसिपल को ये शिकायत आई मालिक मकान की, साधु और लड़के एक मकान में रहते हैं और साधु कहता है कि लड़के शोर करते हैं मुझे तंग करते हैं। तो प्रोफेसर ने मुझे भेजा प्रिंसिपल ने, जब पूछो मैं साधुओं के पास गया, अरे महाराज आपके लड़के तंग करते हैं? साधु का जवाब था नहीं, मनुष्य तो मनुष्य की औषधि है, मेरे पास रहते हैं तो मैं कोई काम करे मुझे तकलीफ होगी तो यही सहायता करेंगे। और देखो साधुओं की वृत्ति क्या है, उस मालिक मकान की वृत्ति क्या है,
उल्टा हो गया ना, किसी को हम उल्टी दृष्टि से देखे समझे, तो सबको कोई आदमी आया उसको मित्र बनाओ काम आएगा, ये उसको समझो कि ये बुरा है उसे नफरत करोगे तो वो और वृत्ति भी खत्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए वृद्ध ने कहा कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, ये दूसरी वृत्ति है परिवृत्ति, उल्टा देखो, उल्टा नजर आए उसको, अगर उल्टा भी है तो उसको भी सात्विक दृष्टि देखो, तामस की दृष्टि देखो, ये मैं लूटने नहीं आया, आया है लूटने थोड़ा है। इसलिए जहां जिसमें नहीं है उसको वैसा देखना ये हमारे अपने मन को खराब करता है। तो सात्विक तरफ देखें और जो साथ हमें जिस तरफ को नफरत मिलती है उसको भी अच्छी दृष्टि से देखें, बुरी दृष्टि से देखें। कोई आदमी बुरा नहीं है दुनिया के अंदर, बड़े से बड़ा डाकू भी उसमें कोई ऐसे गुण हो सकते हैं जो मैं चाहूंगा मेरे में आए, कोई बुरा नहीं है। एक दृष्टि में अपना विश्लेषण करें तो हम भी एक पक्ष में बुरे हैं एक पक्ष में अच्छे हैं, गुण भी बुरा भी, तो ये बुरा कोई नहीं होता। इसलिए हम बुरा बुरा ही चरण देखें, जैसे कहते हैं ना कि मक्खी की दृष्टि में मक्खी का रूप नहीं चाहिए जो गंदगी की मक्खी है, शहद की मक्खी वाला दृष्टि में चाहिए कि शहद वाली मक्खी तो फूल पर बैठती है, फूल देखती है वो गंदगी पर रहती है। हम किसी के दोषों को देखते हैं, जिसका ना निंदा चुगली वाला मनुष्य, राग द्वेष वाला मनुष्य, अपने मन को गंदा तो उल्टा देखते हैं ना, इसको भी सात्विक बनाना है। अब विकल्प, मन में ख्याल तो आते रहते हैं, बैठे ख्याल आते हैं, जरूरी है कि मकानों और जायदादों और लोगों को देखें, प्रभु जी को देखें। जब हम आश्रम में आए थे क्या थे, प्रभु ने क्या बदलाया, प्रभु का चिंतन करते रहे, भक्ति भी हो जाएगी और वो विकल्प वृत्ति भी मान पूरी कर लेगा। देखो यानी कि मन के जो हमें वृत्तियां तंग करती हैं उनको सात्विक बना लें तो पहला स्टेप है कि हम खुश हो जाएंगे। वही बात कि बच्चा अगर अच्छी या बैठा है माँ के पास नहीं है तो भी माँ को शांति होगी, हमारी अंतरात्मा को शांति होगी, कितना आत्मा खुश होगी। अगर देख रहे हैं कि देखो प्रभु जी के पास गए थे उन्होंने क्या कहा, आश्रम में जाते हैं वहां क्या मिलता है, ये तो मन अंतरात्मा खुश है, मन फिर भी सोच रहे मन काम कर रहा है, एक आत्मा को शांति है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम कचहरी में गए थे वहां उसने वकील ने तो ये कहा और जज ने हमारे अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया और मेरे पैसे मेरे इतने खर्च हो गए, तो वो विकल्प ही है ना सोच है, जब ये करेंगे वो करेंगे बातें, यानी कि मन दुखी रहेगा, दुखी रहेगा तो हमारा अंतरात्मा दुखी रहेगी। तो कभी भी अगर विकल्प की वृत्ति है उसको भी बैठे बैठे हम अगर ख्याली पुलाव बनाने हैं तो ये बनाए कि हम भक्ति करते करते पता नहीं हमें कभी भी हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इस तरह की बनाए ना विकल्प। विकल्प में होता है कल्पना करनी, जो नहीं है उसको मन के अंदर लाना, उसको कल्पना करना कहते हैं। अगर ये होगा तो वो जो सपने है ना निद्रा